बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी सब ठीक है। जब भी मेरे बहन भाई देश प्रदेश से देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बाद रखे, हमेशा उसका मुस्कुराता रखे, अपने जुमान में रखे। इसी नीतियों के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जी, अभी मैं तैयार हुई थी, बकरा लेने जाना था, तो हमारे घर ना दो चार मेहमान आ गए, एक नाई आ गया, एक डॉक्टर आ गया और दो और मेहमान आ गए। उनकी वजह से ना इनके पापा को हो गई देर, तो धूप बहुत ज़्यादा आ गई, तो वो कहने लगे कि अभी तो धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऐसा करते हैं कि शाम को बकरा देखने जाएंगे, तो अभी जो रह गया ना काम वो निपटा दो। तो मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ और कपड़े जो हैं ये भी धो लेती हूँ। मैंने शाम को धोने थे कपड़े, क्योंकि सुबह तो ईद है, तो जी अभी जो रह गए हैं काम ये कर लेती हूँ। अभी ये मैंने दूसरा चक्कर निकालना, ये थोड़े से ऑफ वाइट है, ये अभी चलाती हूँ। अभी ये मैंने ना सफ़ेद वाले जो है ना ये धो लिए, और एक फ्रोली, ये दो चक्कर हो गए पूरे हमारे। तो जब दिखाती हूँ, मेरी बहू ने और मेरे बेटे ने ना एक वो बकरियों का कमरा जो है ना वो साफ़ करके ना अपने लिए वो बना लिया है किचन। तो ये है कि इधर धूप हो जाती थी सेन में, उधर दरवाजे के पास उन्होंने थोड़ी सी छड़ी बनाई हुई थी, उधर रखे थे चूल्हा और उधर ही खाना बनाते थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया। तो इधर हमारे जो है ना ये परिंदे प्यारे प्यारे से पैरट से ये बड़ा शोर करते हैं, ये कहते हैं ज़रा सी धूप आ जाए, कहते हैं हमें छाँव में करो। अब इधर से उठाकर जहाँ घनी छाँव होगी ना उधर हम उनको रख लेंगे। जी तो इधर ना ईंटें लगा कर ना तो ऊपर सीमेंट और रेत मिक्स करके लगा दिया, तो ये फर्श बन गया। तो अभी इधर इन्होंने चारपाई रख लिया और मशीनें रख लिया, वॉशिंग मशीन और स्पिनर, इधर खाने वगैरह के जो है बर्तन वगैरह रखेंगे, और इधर ड्रमिंग वो जो है आटे वाली वो रखेंगे, और सारा इधर ही सेट सुट कर लेंगे, क्योंकि उधर धूप हो जाती है तो फिर मेरा किचन अलग है, ये अलग पकाते हैं, तो फिर वो भी छोटा सा, तो हमने कहा कि ये भी फालतू या भी जगह इसको सेट वगैरह कर लो। तो इधर जो है ना उधर भी हमने मिट्टी वगैरह सेट कर लिए, चारपाइयाँ रख दी हैं। तो अभी जल्दी से मैं धोती हूँ कपड़े, और इसके बाद में जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे, और जब बकरा लेने जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने लिया है या कैसा है या जो भी है। तो अभी जी प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया था बकरे का, तो शाम को जाएंगे दोबारा। जी ये बनाने थे, मैंने कहा इसको ना हल्का से नींद लगा देती हूँ। बस सब्जी वाला भी आ गया, उसे मैंने लिया प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्चें, लहसुन हमारे घर है, और सब्जी थोड़ी सी लिया जो आज बनाएंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी कपड़े भी धुल गए, नील लगा कर मैंने सूखने के लिए डाल दिए थे, अभी वो भी सूख गए, सूख गया तो अभी उतारती हूँ। पहले मैंने सोचा कि सब्जी बना लूँ, तो जी थोड़ी सी भिंडी मिली थी, मैंने सोचा कि ये ना दोपहर के लिए बना लेते हैं, और ये करेले जो है ना ये शाम को बनाएंगे। तो भी जान हो गया जी, तो भिंडी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया, और करेलों को मैंने ना नमक उठा कर रख दिया धूप में। तो ये जब तक ये फ्राई होते हैं मैं आकर इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्ची डालती हूँ, टमाटर काट के डालती हूँ, और साथ ही मैं प्याज डालूँगी। तो तब तक मैं ना कपड़े उतार लूँ, क्योंकि उनका कलर ख़राब हो रहा है। बता देखो भैया को क्या हुआ है, वो क्यों रो रो रहा है उधर? क्या हो गया तो क्या होगा हमारे रूम में?
पर्दे भी सूख गए हैं, इनको भी उतार लेते डाल देती हूँ विंडो के ऊपर। चलो जी ये भी काम निमट गया। अभी वो करेलों को भी थोड़ा सा पानी निकल जाता है कड़वा, तो इनको भी धो के इसको भी साथ मैंने बना लेना। अभी नहीं निकल रहा। तो जी अभी उनको देते हैं रोटी, मैंने रोटी बना लिया और करेले भी मैंने नमक लगा कर रखे थे, दोबारा मैंने उनको साफ किया अच्छे से धोकर, तो मैंने ना कपड़े के ऊपर फैला दिए। अभी ये सालन हमारा इतना सा बना था, तो मैंने कहा चलो ये दोपहर का टाइम जो है ना हमारा वो खाना खाया जाएगा, तो वो शाम के लिए हमने ना करेले रख लिया। तो जी अभी उनको दे के आते हैं और साथ ही मक्खन भी देते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा मक्खन। और ये लस्सी, दही की लस्सी, अभी जो मैं देख के आते हैं फिर खुद खाती हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैंने रोटी खाना शुरू कर दिया, और जिस मेरे बहन भाई हमारे साथ खाना खाना वो भी आ सकते हैं खा सकते हैं। तो जी दोपहर को जी पतली सी लस्सी जो है ना चाटी की, ये इतना मज़ा देती है। मेरे पास ना कुजा है, उसमें मैं दही डालकर ना एक ही टाइम इसको रिड़क लेती हूँ, फेंट लेती हूँ दही को, तो रख देती हूँ फ्रिज में, थोड़ा थोड़ा डालते जाते हैं और पतली करके पीते जाते हैं, तीन टाइम ही पीते हैं इनके पापा तो। तो ये जी आजकल के मौसम में इतनी अच्छी लगती है ना, मैं तो मैदे के मसले से मैं ना ये मक्खन नहीं खाती, बच्चे खाते हैं, तो मैं ये सिर्फ सादा रोटी खा रही हूँ आजकल, क्योंकि साथ दवाई भी चल रही है ना मेरी। तो जिस मेरे बहन भाई हमारे साथ खाना खाना वो भी आ सकते हैं खाना खा सकते हैं। मैं अपने बेटे के लिए लेके आई हूँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से गए थे, बकरा देखा है और खरीद भी लिया, तो अभी हम घर नहीं लेके आए इसलिए कि वो ना मैं और इनके पापा गए थे मोटरसाइकिल पे, तो मेरे से तो लाया नहीं जाता था, साथ ही मेरे मैं काफ़ी सारा सामान भी लेके आई, शॉपिंग की है थोड़ी सी, तो ये कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे वो भी लेके आई है। उसने ऐसा के लिए मैं वहाँ से मंगवाई है उसकी फुफ्फो ने, तभी ये खोल के इसको देती है, तो ये लो पकड़ो खुद ही दे देना, ये उसने ऐसे ही आपके लिए फुफ्फो ने दी है लेकर। तो ये जी कपड़े हैं इनके, सर जी ने कहा था कि जुम्मे को ले जाना, तो जुम्मे को तो हमारे मेहमान आए हुए थे, तो एमरजेंसी आए थे उनसे, उनको कोई काम था, उनकी वजह से ना हम कहीं जा नहीं सके, तो आज भी मैंने कहा कि आज तो चांद रात, तो आज जाके ले आते। तो ये जी है, ये मेरे बड़े बेटे का सूट है, और ये छोटे बेटे का है सफ़ेद वाला, और ये एक दो और ये तीन सूट जो है ना मेरे हस्बैंड साहब के, इनमें भी चीज है एक दो तीन चार पांच सूट है टोटल, तो ये भी इसमें रखते हैं अभी। हाँ जी क्या स्नेहन सईद, वाच ये जी चूड़ियाँ पहन रहा था अपनी बहनों के, कह रहा था मुझे चूड़ियाँ पहना दो, तो मैंने कहा कि नहीं बच्चे जो होते हैं ना लड़के वो चूड़ियाँ नहीं पहनते, वो घड़ी पहनते हैं, तो मैं इसलिए लेकर आई। तो जी ये ना मैं लेके आई हूँ एक, इन्होंने मंगवाया बल्ब, ये लो वर्दा ये लो पकड़े मामा का दो, उधर किचन में आपके किचन में लगाना बल्ब साथ, ये लो ये भी ले लो, ये आपके मम्मा ने चिली सॉस सोया सॉस और वो सिरका मंगवाया मुझसे। तो जी ये मैं लेके आई हूँ मिठाई, मल्टानवाड़ी वालों की मिठाई, मैंने सोचा कि सुबह मेहमान आएंगे तो फिर उनको चाय के साथ देंगे। और ये एक लेकर आई हूँ ब्लीच क्रीम, और ये तिब्बत क्रीम लेके आई हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, ये बचपन में हमारी अम्मी जो है ना हमें लगाती थी, अब तक मेरे मैंने अपने नवासों को भी यही लगाई है क्रीम, और उसने ऐसे ही भी यही लगाता है, तो साथ में लेकर आई हूँ ये जो होती है ना सैंड, ये मैं लेकर आई हूँ। बस ख़त्म हो गई चीज़ें, और जी वो लेके आई हूँ गोरमे की बोतलें लेके आई हूँ, वो मैं अंदर रख दी हूँ, मैंने कहा इन्होंने देख ली तो कहना अभी दो, तो अभी वो गर्म है ये। हाँ जी ये ना सुबह को पहनेंगे ठीक है, कानों में जी ये इसके फूफो ने लेके दिए छोटे छोटे ये बालियाँ, ये वर्दाल के लिए और माँ ये जो है हारे के लिए, और ये एक एक जोड़ी लेकर दी है,
देखिए कितनी प्यारी लग रही। मैंने कहा दो दिन पहले, एक पहले दिन पहन लेना, एक दूसरे दिन ठीक हो गया ना। एक दिन एक जोड़ी पहन लेना ना, एक दिन दूसरी जोड़ी पहन लेना। ये पकड़ लो आपकी चूड़ी की तरह। और जी ये मैं ना एक आपको दिखानी थी, ये अपने बाबा जी के लिए ना एक पैसा लेके आए हैं। ये देखिए ये कौन सी है? ये दादा अबू के बड़े बाबा। हाँ बाबा मान जो थे ना वो वाले उनकी है। अच्छी है ना, प्यारी है ना। हाँ। प्यारी है पारी है। अच्छा आप अपनी घड़ी दिखाओ, अपनी घड़ी दिखाई मामा अपनी को। क्या कह रही है, अच्छी है? अच्छी है। क्या खा रहे हो? मुझे खिलाओ रोटी। जी मैं ना करेले जो है ना वो भी पका कर गई थी, दोपहर को भिंडी बनाई थी तो फिर मैंने ना करेले बना कर फिर गए थे, तो बाजार भी इतना रश था, इतनी देर उधर भी लग गई। तो जी अभी के लिए यही कुछ है आज, तो कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सुबह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ईद उल अज़हा के साथ मिलेंगे। तो इंशाल्लाह कुर्बानी तो उसी होगी जैसे मेरे बच्चे आएंगे। तो माशाल्लाह जी आज हमने बकरा खरीद लिया, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखे याद, अपना ढेर सारे रखे ख्याल। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बोल दो, अल्लाह हाफिज़।